हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रितेश कुमार। से स्वागत करता हूँ आपके और मेरे यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि अगर आप भी एक स्पाइस मनी के एजेंट है दोस्तों, तो यहाँ पर स्पाइस मनी की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है। जी हाँ दोस्तों, तो आज के वीडियो में यही मैं बताऊंगा कि कैसे क्या अपडेट है और इससे क्या फायदा आपको होने वाला है। तो अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि इस तरह के नए वीडियो में आप तक लाता रहूं। यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों, स्पाइस मनी ने फिर से अपना कासा चालू कर लिया, यानी एक्सिस बैंक अकाउंट ओपनिंग फिर से लाइव कर दिया। जी हाँ दोस्तों, इसका अकाउंट ओपनिंग चालू हो चुका है। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट अब दोनों खाता खोल सकते हैं अपने मोबाइल के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, इसका प्रूफ के तौर पे मैं आपको डिस्प्ले पे आपको दिख रहा है दोस्तों, ये अकाउंट ओपनिंग आज के डेट में मैंने किया है एक, जो कि मेरा सक्सेसफुली ओपन हो चुका है और इसका जो है अकाउंट नंबर सारा चीज आ चुका है दोस्तों, अकाउंट नंबर वगैरह। अब आपको मालूम ही होगा कि क्यों बंद हुआ था। अगर आप हमारे चैनल पे पहले से विजिट किए हुए है तो आपको मालूम ही होगा कि एक्सिस बैंक के पास जो किट होती है वो सही मात्रे पे थी नहीं और वो लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, जिसके वजह से उन्होंने अपना जो एक्सिस बैंक का अकाउंट ओपनिंग को रोक दिया था। लेकिन अब उनके पास फिर से दोबारा किट आ चुका है दोस्तों, तो आप यहां से फिर से अब एक्सिस बैंक का अकाउंट ओपनिंग का काम चालू कर सकते हैं स्पाइस मनी के माध्यम से। सेविंग और करंट दोनों खाता आप खोल सकते हैं आसानी से। साथ ही साथ मैं बता दूं दोस्तों कि जिन जिन भाइयों को एक्सिस बैंक का अकाउंट ओपनिंग आया हुआ है तो उनके लिए ये अपडेट है कि वो जल्द से जल्द अपना IIBF का एग्जाम दे दे। जी हाँ दोस्तों, अगर IIBF का एग्जाम नहीं देते हैं तो हो सकता है आपका एक्सिस बैंक का अकाउंट ओपनिंग जो है हट जाए फिर से। तो आप इस जो है स्पाइस मनी में एक्सिस बैंक का अकाउंट ओपनिंग का काम चालू रखने के लिए आपको IIBF का एग्जाम देना बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ मैं बताऊं दोस्तों कि आपको यहाँ पर APS का ट्रांजेक्शन को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपको स्पाइस मनी रजिस्टर का भी दरकार होगा। अगर आपने अभी तक बाय नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा या फिर जाइए हमारे नया बाजार वेबसाइट पे, वहाँ पर इसे आप स्पाइस मनी का रजिस्टर को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये रजिस्टर बहुत ही आपको जरूरी है क्योंकि अब सारे कंपनी कह रहे हैं कि APS से जितना भी आप विड्रॉ करते हैं उसका आपको ट्रांजेक्शन को मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो बाद में हो सकता है आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम आएगा तो कंपनी सपोर्ट नहीं कर पाएंगी। तो आपको जो है जो भी आप कस्टमर का पैसा विड्रॉ कर रहे उसका अकाउंट जो है आप ट्रांजेक्शन को रजिस्टर में मेंटेन जरूर करें, तो जाके रजिस्ट्रेशन बाय कर सकते हैं। रजिस्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और अकाउंट ओपनिंग के लिए भी दोस्तों यहाँ पर आपको रजिस्टर अब रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, जितना भी आप अकाउंट ओपन का काम करते हैं उसका भी रजिस्टर मेंटेन करना होगा, तो बहुत ही जल्द आपको अकाउंट ओपन का भी रजिस्टर मिल जाएगा हमारे चैनल पे, जो कि बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। तो अभी ये छोटी सी अपडेट थी कि एक्सिस बैंक का अकाउंट ओपनिंग चालू हो चुका है, साथ ही साथ आपको अपना रजिस्टर मेंटेन करना जरूरी हो गया, मैंडेटरी हो गया, रजिस्टर आप मेंटेन करें, नहीं तो आपको हो सकता कोई भी प्रॉब्लम। तो रजिस्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा और अकाउंट ओपनिंग जो है आप आज से चालू कर सकते हैं दोस्तों। तो ये छोटी सी अपडेट आपको कैसा लगा था हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।